महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। शुक्रवार को राज्य में 63,729 नए कोरोना के रोगी पाए गए, जबकि 398 लोगों की जान चली गई इस खतरनाक वायरस से। मरीजों की वृद्धि दर अब तक एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है, जो कि काफी चिंताजनक है। शुक्रवार को 45,335 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। रोगियों की नई संख्या के कारण संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 37,03,584 तक पहुंच गई है। इसी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने लोगों को चेतावनी दी है, अगर लोग वर्तमान में लगाए गए कोविड प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं तो हमें पिछले साल की तरह लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जनता को दी नसीहत।